एसीसी सदस्यों के साथ सीसीएल कठारा प्रक्षेत्र के महाप्रबंधन ने की बैठक। आगामी 26 नवंबर की हड़ताल में नहीं जाने की अपील की, साथ ही कहा कि हड़ताल मजदूर के हित में नहीं है। 26 नवंबर की हड़ताल को देखते हुए सीसीएल कठारा प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक एम के पंजाबी ने कठारा महाप्रबंधक कार्यालय के सभागार में एसीसी सदस्यों के साथ अति आवश्यक बैठक की। बैठक में सभी उपस्थित एसीसी सदस्यों से अनुरोध किया कि 26 नवंबर की हड़ताल में ना जाए। वहीं मौजूद एसीसी सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार मजदूर विरोधी फैसले ले रही है और मजदूरों के हक और अधिकार पर प्रहार करने का कार्य कर रही है, इसलिए हड़ताल जरूरी है। मौके पर एसीसी सदस्यों में रामेश्वर साव, कामोद प्रसाद, पी के विश्वास, अनूप सोई, बालेश्वर गोप, शमसुल हक मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो ब्यूरो विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। 26 नवंबर को जो सभी श्रमिक प्रतिनिधिगण हमको जो लिख करके दिए हैं कि हमारे सभी आदमी हड़ताल पर रहे हैं, आज बीएमएस के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, बाकी सभी यूनियन के प्रतिनिधि बोले हैं कि हमारे सभी आदमी हड़ताल पर रहे हैं। हम सभी एसीसी मेंबर हमारे सभी कामगार बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि ये हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, कोई कोल इंडस्ट्री की हड़ताल नहीं है। कठारा एरिया पहले से ही काफ़ी नुकसान में चल रहा है और उत्पादन कठारा कोलेरी हमारा बंद चल रहा है, हम ऑलरेडी टारगेट से बहुत पीछे चल रहे हैं। हम सभी मेंबर से अनुरोध किए हैं कि आप लोग इसमें उत्पादन बढ़ाने में हमको सहयोग करिए, क्योंकि एरिया का प्रतिष्ठा इस वर्ष खराब हो रहा है, नुकसान हमारा बढ़ता ही जा रहा है। इस पर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो आने वाले समय में कई तरह की कटौतियाँ होंगी, कई तरह से लोग परेशान रहेंगे, हम वेलफेयर में उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था वो एसीसी मेंबर से अनुरोध करना था कि अपने कर्मचारियों को, हमारे मेंबर्स को, सबको थोड़ा सा बात करें कि लोग इस हड़ताल में शामिल ना हों।